आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आज से दो दिन के भारत दौरे पर आएंगे रूसी विदेश मंत्री लावरोव। अमेरिका का दावा, चेर्नोबिल न्यूक्लियर साइट से हट रही है रूसी सेना। धमाके की आशंका को लेकर यूक्रेन ने रखी थी मांग। युद्ध के 36वें दिन भी यूक्रेन पर रूस की भीषण बमबारी जारी। जेलेंस्की बोले, डोनबास पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा रूस। दिल्ली में पेट्रोल डीजल 80 पैसे महंगा, पेट्रोल 101.181 रुपए पहुंचा। दिल्ली समेत उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, मार्च महीने में तापमान 40 डिग्री के पार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। रायबरेली के ऊंचाहार में स्थित उत्सव लॉन में भाजपा नेता व पूर्व प्रत्याशी विवेक विक्रम सिंह द्वारा भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें संगठन महामंत्री अमरपाल मौर्य ने शिरकत की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मौर्य का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान अमरपाल मौर्य ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 16 दिन में आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया है। अलीगढ़ में व्यापार मंडल सम्मेलन और होली मिलन समारोह का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। वही कार्यक्रम में सर्वप्रथम व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने व्यापार पर हो रही समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया और अपनी राय रखी। उसके बाद होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी व्यापारी व पत्रकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम में व्यापार मंडल के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने विचारों से व्यापारियों और पत्रकारों को संबोधित किया। कार्यक्रम के बाद होली मिलन का आयोजन भी किया गया, जहां व्यापारियों और पत्रकारों ने आपस में एक दूसरे के साथ रंग गुलाल लगाकर होली खेली, जिसके साथ ही कार्यक्रम में व्यापारियों द्वारा पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। सर क्या नाम है सर, क्या पद है सर आपका? मेरा प्रेमचंद अग्रवाल नाम है और झटकारी से व्यापार मंडल अध्यक्ष। सर आज जो सम्मेलन किया गया था सर, कौन सा सम्मेलन किया गया था, किस रूप में किया गया था? ये हमारे क्षेत्रीय पत्रकार सम्मेलन था और हमारे व्यापारियों भाइयों का भी सम्मेलन था। हमने व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों को बुलाया था और जितने भी हमारे पत्रकार बंधु थे सभी को बुलाया था और उनका स्वागत किया था और होली मिलन समारोह का भी उसी में कार्यक्रम किया था हम लोगों ने। उत्तर प्रदेश में नकल कराने के लिए कुख्यात रहे बलिया जिले ने यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को फिर कलंकित कर दिया। बीते बुधवार 2 बजे से होने वाली इंटरमीडिएट अंग्रेजी का प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। जांच में वायरल प्रश्न पत्र सही मिलने पर 24 जिलों की इंटर की अंग्रेजी की परीक्षा निरस्त कर दी गई, जबकि इस मामले का खुद सीएम योगी ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया था, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां नगर मजिस्ट्रेट की तहरीर पर बलिया कोतवाली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं सिकंदरपुर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही नगरा थाने की पुलिस ने भी 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। आम लोगों पर महंगाई की फिर से मार पड़ी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तेल कंपनी IOCL के ताजा रेट्स के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल की नई कीमत 101.81 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 93.07 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 84 पैसे का इजाफा हुआ है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 116.72 रुपए, जबकि डीजल की कीमत 100.94 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पिछले 10 दिनों में 9वीं बार ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते दिखाई दिए हैं।
गाजियाबाद में बाबा रामदेव से पेट्रोल और डीजल के बढ़ रहे दामों पर सवाल पूछा गया। इस सवाल पर वो नाराज होकर बोले कि मैं तेरे सवाल का जवाब नहीं देता, पूछ पड़ेगा मेरी। दरअसल एक पत्रकार ने बाबा रामदेव से उनके उस टिप्पणी को लेकर सवाल किया था जो उन्होंने 2014 से पहले मोदी सरकार के समर्थन में दी थी। इसके आगे उन्होंने कहा कि तेरे प्रश्न बहुत हो गए, तू अब चुप हो जा, आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं होगा। मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोना थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर मोड़ के पास खलीसा चट्टी से पहले एक छात्र को किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी। गोली लगने से छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित छात्र 12वीं कक्षा के अंग्रेजी का पेपर देकर अपने घर जा रहा था। गोली लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने गंभीर हालत में छात्र को सीएससी मोहम्मदाबाद गोना में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने युवक को प्राथमिक उपचार के बाद आजमगढ़ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है। आज करीब 5:30 बजे के आसपास जब इंटरमीडिएट की परीक्षा छूटी है, एक श्याम यासरे यादव लड़का है जो इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहा था, ये घोसी रामनगर बॉर्डर पे, घोसी मोहम्मदाबाद बॉर्डर पे रामनगर गांव में एक VSS इंटर कॉलेज है जहां से एग्ज़ाम दे के निकल रहा था, वहीं पे इसको गोली मारी गई है। पहले कुछ इसको लोग आए और डंडे से, लाठी डंडे से मारा है, फिर उसके बाद इसके पीठ पे गोली मारी है। लड़का बोल रहा है, इसको आजमगढ़ रेफर कर दिया गया है, इसकी दवा कराई जा रही है, मुकदमा लिखा गया है। चार लोगों को लड़के ने बताया है कि चार लोग इसमें शामिल थे, उनकी तलाश की जा रही है। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी क्षेत्र में मास्टर पार्क लोधी चौक के पास शकुंतला नामक गर्भवती महिला की नाले में गिरकर मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक महिला घर के नीचे संचालित खूब खाओ रेस्टोरेंट में झाड़ू पोछा का काम करती थी। वही महिला जब दुकान पर झाड़ू पोछा लगाने के लिए पहुंची तो महिला का पैर फिसल गया, जिसके कारण वो दुकान के बाहर बने नाले में जा गिरी। लेकिन जिस दौरान महिला नाले में गिरी उसे किसी ने नहीं देखा, जिसके करीब 15 मिनट के बाद जब राहगीरों ने पानी के बुलबुले देखे तब महिला को नाले से बाहर निकाला। आपका नाम है? मेरा मनोज कुमार जी। मनोज जी, क्या मामला है आज का? ये मामला सर, देखा ये देखा कि नाली में सर कोई बच्चा बताया कि इसमें सर कुछ गिरा हुआ, अंकल देखना जा रहा, हमने देखा तो फिर डंटा लगे देखा और फिर समिल के आ गया तो भीड़ लग गया सब, तो उसको निकाल के देखा। किसको निकाल के? उसी के निकाला, बॉडी को निकाला तो मरे हुए निकले थे, तो फिर इतने सब आ गए सब, यही देखा बस इतने। खबर रायबरेली के सलोन कोतवाली क्षेत्र से है, जहां एक शराबी को शराब पीने के लिए रुपए नहीं देना युवक को महंगा पड़ गया, जिसके बाद शराबी युवक का पारा इस कदर चढ़ा कि उसने रुपए देने से मना करने वाले युवक पर कांच की बोतल करके उसे लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद घायल युवक ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि वो किसी तरह जान बचाकर राइस मिल में छुपा, जिसके बावजूद आरोपी ने उसे राइस मिल से बाहर निकालकर घसीटना शुरू कर दिया, लेकिन लोगों की इकट्ठा होती हुई भीड़ देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद की दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की आयोजित होने वाली इंग्लिश पेपर की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। जब परीक्षार्थी अपने केंद्र पहुंचे तो उन्हें पेपर रद्द होने की सूचना मिली, जिसके बाद परीक्षार्थी निराश हो गए। वही जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि बलिया में पेपर लीक हुआ था और बलिया समेत आजमगढ़ और 24 जिलों में एक ही QR कोड था, इसलिए सभी 24 जिलों में माध्यमिक शिक्षा परिषद ने पेपर रद्द करने के निर्देश दिए हैं। मेरा नाम वैष्णवी तिवारी है। हम 35 किलोमीटर दूर आए सिर्फ अपना एग्ज़ाम देने के लिए, और यहाँ स्कूल आने के बाद हमें पता चला कि हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा, हमारा एग्ज़ाम निरस्त हो गया है। तो फिर हमें अब एग्ज़ाम तैयारी करने को भी मिल जाएगा, लेकिन हम अपनी पूरी तैयारी से आए थे एग्ज़ाम देने के लिए, फिर भी हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ। मैं लगभग 40 किलोमीटर दूर से आई हूँ पेपर देने। इतना बुरा लग रहा है कि हम लोग का पेपर निरस्त हो गया, इतनी तैयारी के साथ आए थे, अभी फिर पता नहीं कैसा पेपर होगा कि नहीं होगा, इस वजह से बहुत बुरा लग रहा है। हमारा नाम सलोनी विश्वकर्मा है। हमें पता नहीं था, हम जब घर से निकले जब यहाँ पे आए तो हमें पता चला पेपर निरस्त हो गया। एक पुलिस वाले अंकल थे तो वो बोले पेपर निरस्त हो गया, आप लोग घर जाइए।
और हम आए थे बहुत तैयारी के साथ, लेकिन अब निरस्त हो गया तो हम भी निराश है क्योंकि अब कम टाइम में कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा, तो डर भी है और थोड़ा और तैयारी करने का मौका भी मिल गया। एक्चुअल में जो मामला है वो ये है कि बलिया में अंग्रेजी का पेपर निरस्त हो गया। जो QR कोड बलिया के लिए आवंटित था वही QR कोड अन्य जनपदों में, यानी कि 24 जनपदों में वही QR कोड भेजा गया था। तो जिन जिन जनपदों में वही कोड जो बलिया में है वो गया है, उन सारे जनपदों की, ऐसी 24 जनपद हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा निरस्त हो गई। आपको बता दें कि ये परीक्षा बुधवार दोपहर 2 बजे से होनी थी, लेकिन परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र वायरल हो गया और बाजार में 500 रुपए में बिक रहा था, जिसके बाद DM ने अंग्रेजी की परीक्षा निरस्त कर दी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए Prime TV। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।